राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां बताया जा रहा है लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होना है और जिसको देखते हुए उन्हें आज अस्पताल में शिफ्ट करा दिया जाएगा। बता दें आपको कि कल सोमवार है और कल लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट होगी, जिसको देखते हुए रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है वो अपना किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान में दे रही है। तो वहीं सोमवार को अपने पिता लालू यादव को किडनी देगी रोहिणी आचार्य। बता दें आपको कि लालू की 7 बेटियों एवं 2 बेटियों में से रोहिणी दूसरे नंबर पे आती हैं। तो वहीं फिलहाल सिंगापुर के एक अस्पताल में वह किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया से गुजर रही है। अस्पताल जाने से पहले रोहिणी ने अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि आम जनता के लिए लालू प्रसाद यादव का स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए उन्होंने ऐसा साहसिक फैसला लिया। लालू यादव को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के दौर से रोहिणी पहले ही गुजर चुकी है। बता दें आपको कि रोहिणी के पति एवं ससुराल के परिजनों ने भी लालू यादव को किडनी देने को लेकर सहमति दे दी है। ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें जो है रविवार की देर रात भर्ती किया जाएगा। वहीं बता दें आपको कि सब कुछ ठीक पाए जाने पर सोमवार 5 दिसंबर को ट्रांसप्लांट के लिए सर्जरी होगी। रोहिणी की किडनी अभी 90-95% तक काम कर रहा है, तो वहीं लालू यादव की दोनों किडनी 28% काम कर रहा है। ट्रांसप्लांट के बाद लगभग 70% काम करेगा। वहीं बता दें आपको कि स्वास्थ्य के लिहाज से इतना काफी माना जाता है, पापा के रूप में ईश्वर को देखा है रोहिणी ने। तो वहीं रोहिणी अस्पताल जाने से कुछ घंटे पहले रोहिणी ने लालू प्रसाद के लिए अपनी भावना व्यक्त की है। लालू की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी ने लिखा है कि ईश्वर को उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर के रूप में पापा को देखा है। बता दें आपको कि इस बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव शनिवार की रात सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं। राबड़ी देवी एवं मीसा भारती पहले से ही सिंगापुर में है। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में लालू की किडनी ट्रांसप्लांट की जानी है, जिसको देखते हुए इसी अस्पताल में भाजपा के पूर्व सांसद आर के सिन्हा, अमर सिंह एवं अभिनेता रजनीकांत की किडनी बदली गई है। तो बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव का भी किडनी जो है वहीं बदला जाएगा, और जिसको देखते हुए रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को ईश्वर बताया है। रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर ट्वीट कर भी लिखा है, तो वहीं तमाम बातें कही है रोहिणी आचार्य ने। बता दें आपको कि कल सोमवार है और कल ही के दिन लालू प्रसाद यादव की किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की जाएगी, और वहीं उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपना किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दान में देगी। तो फिलहाल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ ही भोला यादव रवाना हो गए हैं कल ही के दिन रविवार को सिंगापुर के लिए, तो वहीं पहुंच भी गए हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव कब तक ठीक होते। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।